तारीख 29 अप्रैल 2020, दिन बुधवार। 29 अप्रैल 2020 को एक एस्ट्रॉइड जो कि लगभग हिमालय जितना बड़ा है हमारी पृथ्वी से टकराएगा और हमारी पृथ्वी एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। क्या हमारी पृथ्वी का वाकई में सर्वनाश होने वाला है? क्या कोई विशाल काय चट्टान एक पहाड़ जैसे आकार की हमारी पृथ्वी से टकराने वाली है? अगर ऐसा होता है तो हमारी पृथ्वी एकदम तबाह हो जाएगी और इस पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। दुनिया के लिए महाविनाश की नई तारीख आ चुकी है, तो क्या आने वाला है 29 अप्रैल को दुनिया बदल जाएगी? इसकी पुष्टि खुद नासा ने की है कि एक विशाल एस्ट्रॉइड एक बार फिर धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है और ऐसे में खतरा बना है कि अगर ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती की तरफ मोड़ लेता है और ये धरती से टकराता है तो जाहिर सी बात है हमारी दुनिया तबाह होने में एक पल भी नहीं लगेगा। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई में जीवन का अंत 29 अप्रैल को लिखा गया है? अगर ऐसा हुआ है तो इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई में दुनिया बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन का वक्त बचा हुआ है, यानी कि एक माह से भी कम का वक्त बचा हुआ है? दरअसल दुनिया पर महाविनाश की घंटी बजने लगी है जो दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। नासा ने पुष्टि की है कि अप्रैल में अंतरिक्ष से एक एस्ट्रॉइड धरती से टकरा सकता है। इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड हिमालय जितना बड़ा बताया जा रहा है। नासा ने इस एस्ट्रॉइड के धरती के बेहद करीब से गुजरने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों की आशंका है कि अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से टकराया तो महाविनाश हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये पृथ्वी पर पहली बार नहीं है। आज से 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको के यूकटान प्रायद्वीप से एस्ट्रॉइड टकराया था, जिससे वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे की जांच की तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया था। इस एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यह चट्टान बाष्प में बदल गई थी और कुछ चट्टानें धरती से टकरा करके जंप करके और आग के गोले में कई किलोमीटर दूर तक बरसी थी। दरअसल इसके जो धूल का बादल बन गया था, उस बादल की वजह से धरती ठंडी हो गई थी। यहाँ की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि उसी समय डायनासोर्स का अंत हो गया था।